फरुखाबाद के पांचाल घाट पर एक माह के लिए लगने वाले कल्पवास रामनगरिया मेले में अभी कई काम अधूरे पड़े हैं। ऐसे में कल्पवासियों को तमाम तरह की दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा। पांचाल घाट पर एक माह के लिए कल्पवास के लिए बसी आस्था की नगरी श्री राम नगरिया का शुक्रवार को जिलाधिकारी और एसपी ने 11 कुंडीय यज्ञ के साथ उद्घाटन किया। मेला परिसर के मुख्य द्वार का फीता काटकर जिलाधिकारी द्वारा उद्घाटन किया गया। इस दौरान मां गंगे के जय घोष से तट गूंज उठे। भगवा रंग की नाव पर सवार होकर दीपदान हुआ। इसके बाद हुई आरती में अधिकारियों के साथ श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा। पौष पूर्णिमा पर भोर होते ही श्रद्धालु पुण्य की डुबकी लगाने लगे। कल्पवासियों के साथ ही आसपास से आए श्रद्धालुओं का घाटों पर हवन पूजन और दान पुण्य का दिन भर सिलसिला चलता रहा। श्रद्धालुओं ने भगवान सत्यनारायण की कथा सुनी। घंटे घड़ियाल और शंख की ध्वनि भी गूंजती रही। शाम करीब 7 बजे जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार मिश्र, एडीएम सदर अनिल कुमार पांचाल घाट पहुंचे। डीएम ने मुख्य गेट पर फीता काटकर मेला रामनगरिया और विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। कैंप कार्यालय में 11 कुंडीय हवन में मंत्रोच्चारण के साथ आहुतियां डालकर पूजन किया गया। इसके बाद भागीरथी तट पर भगवा रंग से सजाई गई नाव में डीएम और एसएसपी ने माँ गंगा को दीपदान किया। इस दौरान तट पर सजाई गई दीपों की झांकी मनोहरी छटा बखेरती रही। आरती में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। जयकारों के उद्घोष से माहौल गंगामय हो गया। मेला रामनगरिया में नजर रखने के लिए ड्रोन कैमरा उड़ाया गया, साथ ही बड़ी संख्या में सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात किया गया। सर, जो उद्घाटन हुआ है मेला रामनगरिया का, किस तरह तैयारी जो है आज के बाद में रहेगी पूरे एक महीने कल्पवास में? देखिए, पूरा एक महीने का कल्पवास है, जैसे आपने बताया भी है, और यहाँ पर आपने खुद महसूस किया होगा कि आज जो हमारा शुभारंभ हुआ है बहुत अच्छे ढंग से हुआ है, और इस बार सफाई की विशेष व्यवस्था की गई है। जो पिछले वर्षों में जिस तरह के इंतजाम हुए थे उससे दोगुना अधिक हमने सफाई की व्यवस्था की है, और सांस्कृतिक कार्यक्रम 26 तारीख से प्रारंभ होंगे जो 10 फरवरी तक चलेंगे। काफ़ी अच्छे अच्छे कार्यक्रम हैं, और कल्पवासियों के लिए शौचालयों की व्यवस्था पिछले साल से लगभग दोगुनी हमने की है, और जगह जगह पर डस्टबिन रखवाए गए हैं जिससे कि कहीं पर भी गंदगी ना हो। मैंने यहाँ पर जो भी लोग आ रहे हैं मैंने उनसे अपील भी की है, कल्पवासियों से मैंने अपील की है कि सफाई में विशेष ध्यान दें। सभी जगह पर डस्टबिन रखे होंगे तो डस्टबिन में कूड़ा डालें, और हमने लगातार 24 घंटे हमारे कर्मचारी रहेंगे जो कि समय समय सफाई करेंगे, और डस्टबिन में जो कूड़ा होगा या बाहर कूड़ा होगा उसको उठा के ले जाएंगे। देखिए, अभी आज आपने खुद महसूस किया होगा कि हमारा जो पहला कार्यक्रम था, जो आज आरती का कार्यक्रम था, बहुत अच्छा कार्यक्रम था। अच्छे कार्यक्रम होंगे। हमारा दिव्य प्रेम सेवा मिशन की तरफ से चाणक्य का नाटक यहाँ पर खेला जाएगा। कवि सम्मेलन काफ़ी भव्य है, सभी बड़े बड़े कवियों को हमने इस बार बुलाया है, और कई कार्यक्रम ऐसे हैं जो कि देखने लायक होंगे। 29 तारीख को गंगा यात्रा भी है, यहाँ पर लोग रुकेंगे, रात्रि विश्राम करेंगे, और दूसरे दिन यहाँ पर उनका वो लोग एक कार्यक्रम में भी भाग लेंगे, और इसके पश्चात वो यहाँ से जाएंगे। तो काफ़ी अच्छे अच्छे कार्यक्रम हैं इस दौरान, और काफ़ी जो भी कार्यक्रम है बड़ी भव्यता के साथ उसको हम लोग करवा रहे हैं।